बच्चा चाहिए मुझे। फिर वही बात लेके बैठ गए। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं भी रेडी नहीं हूँ, और ये बात अचानक से बीच में कैसे आ गई? कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, ये सब ना मुझे नहीं पता, मुझे बस बच्चा चाहिए। तुम फिर वही बात लेके बैठ गए। एक सेकंड, तुम पीकर आए हो? हाँ पीकर आया हूँ मैं, तो तुम क्या कर लोगी? तुम जब भी पीकर आते हो ना, घर में कलेश ही करते हो। देखो बात को घुमाओ मत, हम इस साल बच्चा करेंगे, ये फाइनल है। हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे मुझे वजह बताओ, वजह। अरे जब कह दिया नहीं करना तो नहीं करना, जबरदस्ती है क्या? अरे वजह पूछ रहा हूँ, वजह। मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो तुम कुछ बोलती नहीं हो। देखो मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मैं रेडी नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है। अच्छा तो कब रेडी होगी तुम, 10 साल बाद या 20 साल बाद, या फिर मेरे मरने के बाद किसी और के साथ बच्चा पैदा करोगी तुम? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, ये कैसी बातें करे जा रहे हो तुम? अरे क्यों नहीं करना चाहती तुम बच्चा? हमारी शादी को ना पूरे 5 साल हो गए हैं, 1 साल हो गया अभी रेडी नहीं हुई मैं, 2 साल हो गए अभी रेडी नहीं हुई मैं, अरे ऐसे करते करते ना पूरे 5 साल हो गए हैं। देखो मुझे ना तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। अगर तुम्हें बच्चा ही पैदा नहीं करना था तो तुम्हें ना मुझसे शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, मैंने सबसे बड़ी गलती ना ये की कि मैंने तुमसे शादी की। अरे मुझसे नहीं, तुम्हें ना किसी से भी शादी करनी नहीं चाहिए थी। अरे तुम्हें पता है एक औरत को ना शादी के बाद बच्चा पैदा करना पड़ता है, लेकिन मुझे पता है कि तुम बच्चा पैदा करना क्यों नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती बताओ? क्योंकि तुम्हें तो औरत बनना ही नहीं है, तुम्हें तो बस हमेशा लड़की बन के रहना है ना? क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? बोलो ना, चुप क्यों हो तुम? हाँ नहीं बनना मुझे औरत, मुझे हमेशा लड़की बने रहना है, क्या दिक्कत है इसमें, खुश हूँ मैं। अरे तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए थी ना? मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे तुम्हें पता है मेरे साथ साथ मेरे जिन जिन दोस्तों की शादी हुई थी ना, अरे उनके 3-3 साल के बच्चे घूम रहे हैं, और जब माँ मुझसे पूछती है ना कि बेटा बच्चा क्यों नहीं कर रहे तुम, तो मैं क्या जवाब दूँ माँ को? अब ये बताओ तुम क्या चाहते हो मुझसे? फैसला। अरे फैसला चाहिए मुझे, मुझे डेट चाहिए जिस दिन हम बच्चा पैदा करेंगे। मैं तुम्हें कोई डेट नहीं दे सकती। तो ठीक है फिर, अगर तुम मुझे कोई डेट नहीं दे सकती ना, तो एक काम करो मुझसे ना तुम तलाक ले लो, मैं ना किसी और लड़की से शादी कर लूंगा जो मेरे लिए एक बच्चा पैदा कर सके। अच्छा तो तलाक चाहिए तुम्हें मुझसे? हाँ चाहिए मुझे तलाक। ठीक है ले लो मुझसे तलाक, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बच्चा ना 2 लोगों की रजामंदी से होता है, किसी एक की रजामंदी से नहीं। तुम्हें बच्चा चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी बच्चा चाहिए, कि मैं भी बच्चे के लिए रेडी हूँ। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम मुझे तलाक देना चाहते हो ना? ठीक है मैं रेडी हूँ बच्चे के लिए। सुनो मुझे माफ कर दो, मैं बच्चे के प्यार में इतना बह गया था कि मुझे ये भी समझ नहीं आया मैं तुम पे कितना गुस्सा कर रहा हूँ। वो क्या है ना, हमारी शादी को इतने साल हो गए और हमारा एक बच्चा भी नहीं है, बस इसी वजह से ना मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया और तुम पे इतना गुस्सा कर बैठा। प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ना पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा, और वैसे भी ना गलती मेरी है, और मैंने भी तो कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हें क्या चाहिए, बस ना हमेशा अपने घर वालों की बातों में और अपने यार दोस्तों की बातों में आके मैंने इतना गुस्सा कर लिया तुम पे। पर अब ना मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहा था। अब मैं तुम्हें ना बच्चे के लिए कभी भी फोर्स नहीं करूँगा, जब तुम्हारा मन करे, जब तुम रेडी हो तब मुझे बता देना, हम तब बच्चा कर लेंगे। पर प्लीज़ यार तुम ना मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वो ही काफ़ी है। और हाँ हम बच्चा ज़रूर प्लान करेंगे बहुत जल्द।